हेलो दोस्तों, वी आर क्वेयर में आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि होली में आप सब अच्छे रंगों का ही इस्तेमाल करें और केमिकल फ्री कलर्स का ही यूज़ करें। आज की स्टोरी होली पर ही आधारित है। एक होली इवेंट में किस तरीके से दो ऐसे इंसान प्यार में पड़ जाते हैं जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये कभी मिल भी पाएंगे। एक दूसरे से प्यार करने से लेकर इन दोनों के बीच और भी बहुत कुछ होता है। आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिए और देखिएगा किस तरीके से अर्पित और शाहिल एक दूसरे के प्यार में पड़कर क्या क्या गुल खिलाते हैं। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। साहिल के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। साहिल एक पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छी फैमिली का लड़का है जो अपने परिवार से अलग रहता है और अपने जीवन यापन के लिए वह एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी में काम करता है जहां वह बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है और वॉलंटियरिंग का भी काम साथ में करता है। साहिल LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और काफ़ी अवेयर भी है। उसकी उम्र 26 साल की है और वह इस उम्र में हर चीज़ जान चुका है। उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा अपनी करियर सेट करने में। LGBTQ कम्युनिटी को लेकर समाज में सोच और अपने रिलेटिव्स के सोच की वजह से वह अपने परिवार से भी दूर रहता था और अपने परिवार से बहुत ही कम मिलता था। हालांकि घर वाले काफ़ी समझदार थे और उनको इसके अकेले रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस घर वाले चाहते हैं कि वो जहां भी रहे बस खुश रहे। घर वाले काफ़ी एजुकेटेड और समझदार हैं। साहिल अपनी माँ और पापा से कॉल पर बातें कर लिया करता है लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ जीने के लिए वो अपने मम्मी पापा से दूर बनारस शहर में रहता है। दूसरी तरफ अर्पित है जो एक गरीब परिवार से है लेकिन वो बहुत ही मेहनती है। अर्पित के ज़्यादा दोस्त नहीं हैं और ना ही उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड रही है। उसको शुरू से ही लड़कियों की तरफ कोई झुकाव नहीं था। वह हमेशा से जब भी लड़कों को देखता वह उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था लेकिन वह कभी नहीं जान पाया था कि उसे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी अकेला रहता हमेशा बस यही सोचता कि उसे क्या बीमारी है, उसे लड़कियाँ क्यों नहीं अच्छी लगती, लड़के क्यों भाते हैं। इस बात का जवाब उसे कभी मिल ही नहीं पाया था क्योंकि वो बहुत छोटे से गांव का रहने वाला था जहां के लोग ज़्यादातर अवेयर ही नहीं थे। उसकी फैमिली में उसकी माँ, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। पिताजी बहुत साल पहले दुनिया छोड़कर चले गए। उस समय अर्पित 13-14 साल का रहा होगा। पापा के ना होने की वजह से वह सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ पाया। जिम्मेदारियों की वजह से अर्पित ने पढ़ाई छोड़ दी और वह गांव में ही छोटे मोटे काम कर लेता था लेकिन उससे भी परिवार का खर्चा नहीं चलता था, इसलिए उसकी माँ ने भी एक घर में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद ही अर्पित ने सब्जी का ठेला भी लगाना शुरू कर दिया लेकिन इसमें भी अर्पित को कुछ ज़्यादा नहीं बचता था। इधर बहन की शादी भी फिक्स हो गई थी। अब अर्पित को चिंता होने लगी थी। वह सोच रहा था कि वह सिटी में जाकर कुछ अच्छा काम धंधा शुरू करे लेकिन वह किसी को जानता ही नहीं था जो उसकी मदद करता। उसने सिटी जाने की बात अपनी माँ से कही। अर्पित की माँ ने भी बोला, बेटा तुम ठीक सोच रहे हो, घर में क्या है, तुम्हारा छोटा भाई तो है ही, ख्याल रख लेगा। अगर तुम्हारा मन कुछ करने का कर रहा है तो बेटा मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा कुछ आगे करे, आगे बढ़े। तभी अर्पित कहता है, माँ मैं शहर में किसी को जानता तो नहीं हूँ, नौकरी के लिए मेरी मदद कौन करेगा। तभी अर्पित की माँ कहती है, बेटा जिनके घर मैं काम करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं साहब से बोलूँगी, उनका बेटा बनारस में जॉब करता है, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन अर्पित की माँ उसके लिए अपने साहब से बात करती है। इधर साहब अर्पित की माँ को, माँ के कहने पर अपने बेटे रमेश को अर्पित को जॉब और उसके रहने का इंतजाम करने के लिए बोलते हैं। रमेश बोलता है, पापा अर्पित को आप भेज दीजिए, मैं अकेले ही रहता हूँ, मेरे साथ ही रह लेगा, और रही बात जॉब की वो भी मैं दिलवा दूंगा। फिर साहब अर्पित की माँ से अर्पित को बनारस रमेश के पास भेजने के लिए कहते हैं। अर्पित की माँ हाँ कहकर यह सारी बातें अर्पित को बताती है कि बेटा तुम्हारे लिए बनारस में काम की बात हो चुकी है, तुम्हें बनारस जाना पड़ेगा और तुम साहब के बेटे रमेश के साथ ही रहना, साहब ने बोल दिया है और रमेश ही तुम्हें कहीं पर काम दिलवा भी देगा। अर्पित की माँ रमेश का नंबर अर्पित को देती है और बोलती है, बेटा जाने से पहले रमेश से बात जरूर कर लेना। अर्पित दूसरे ही दिन रमेश से फ़ोन पर बात करके अपना सामान पैक कर बनारस के लिए रवाना हो जाता है।
जैसे ही अर्पित बनारस पहुंचता है, उसको रिसीव करने के लिए रमेश स्टेशन पर पहले ही आ गया होता है। रमेश अर्पित को रिसीव करके घर ले आता है। दोस्तों आपको बता दें कि रमेश और अर्पित की उम्र में कुछ खास फर्क नहीं था। रमेश कुछ ही महीने अर्पित से बड़ा था, फिर भी अर्पित रमेश को रमेश भैया कहकर बुलाता था। रमेश के पास रहकर अर्पित घर का सारा काम करता है। अब अर्पित के आने पर रमेश भी बहुत बेफिक्र रहता है, क्योंकि उसे अब घर के किसी काम की कोई टेंशन नहीं रहती। घर का सारा काम अर्पित ही कर लिया करता है। अब रमेश अर्पित को अपने ही ऑफिस के चपरासी की जॉब दिलवाता है, जो कि कुछ दिनों पहले ही खाली हुई थी। अर्पित की सैलरी 10,000 की थी। जॉब मिल जाने से अर्पित बहुत खुश हुआ था। वह अपना सारा काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करता है। ऑफिस में सारे लोग अर्पित से बहुत खुश रहते हैं। ऑफिस हमेशा सैटरडे संडे बंद रहता है, इसलिए रमेश तो अक्सर बाहर घूमने निकल जाया करता, लेकिन अर्पित घर पर ही रहकर घर का काम किया करता। रमेश की आदत है वो बहुत लेट नाइट घर आता। अर्पित कई बार रमेश भैया को समझाता भी है कि इतनी रात बाहर ना रहा करे, लेकिन रमेश अर्पित को तुम बच्चे हो कहकर हमेशा हंसकर टाल दिया करते हैं। हालांकि रमेश अर्पित को एक दोस्त की तरह मानता है। वह कभी कभी रमेश को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए बोलता भी है, लेकिन रमेश थोड़ा शर्मीला है और वह गाँव से आया है। वह हमेशा से ही मेहनती रहा, इसलिए उसको फालतू घूमना फिरना कभी पसंद ही नहीं आया। अब कुछ दिनों बाद ही होली फेस्टिवल आने वाला था। रमेश अर्पित से पूछता है, अर्पित होली में घर जा रहे हो क्या? अर्पित कहता है, नहीं भैया, अभी अभी तो आया हूँ, घर नहीं जाऊँगा। आप जा रहे हो क्या? रमेश बोलता है, मुझे बनारस की ही अच्छी लगती है होली। यहाँ भांग, दारू, गांजा, कलर के फव्वारे, म्यूजिक सब कुछ होता है। मुझे बनारस की ही होली पसंद है। अच्छा अर्पित, इस बार होली में तुम्हें मैं एक जगह लेकर जाऊंगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। होली के 3 दिन पहले सैटरडे संडे पड़ रहा है और उस दिन दोनों की छुट्टी भी है। मेरे दोस्त हर साल बहुत बड़ी होली पार्टी ऑर्गेनाइज हर साल करते हैं, मुझे फ्री में टिकट्स भी दिलाते हैं। मैं 2 टिकट्स ले लूँगा, खूब मस्ती होगी, तुम तैयार रहना, इस बार मैं तुम्हें वहाँ लेकर के जाऊँगा। अब प्री होली पार्टी का दिन आता है। रमेश भैया अर्पित को कहते हैं, कोई सफ़ेद शर्ट पहन लो, थीम है। अर्पित कहता, भैया रंग से हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, कोई दूसरी पहन लूँ? रमेश भैया हंसकर कहते हैं, तू पहन ले, नया लेकर दे दूँगा, अब देर ना कर, 10 बज गए, एंट्री चालू हो जाएगी, खूब सारी लड़कियाँ आने वाली हैं, अच्छा मौका है, अपनी बॉडी शॉडी दिखा के कोई सेट कर लेना। अर्पित शर्मा के कहता है, ठीक है भैया चलिए। अब एंट्री गेट के पास काफ़ी सारे लड़के होते हैं और दूसरी तरफ कुछ लड़कियां भी, पर अर्पित की नज़रें लड़कियों पर जाती ही नहीं है, वो तो लड़कों को तिरछी नज़र से निहारता होता है। फिर रमेश उसे जल्दी से कहता है कि अंदर ले जाता है। अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, खूब सारा रंग होता है, म्यूजिक और खाने का भी इंतजाम होता है, ड्रिंक्स भी होते हैं। अर्पित ये सब पहली बार देख करके बहुत खुश होता है। इस इवेंट को पूरा साहिल संभाल रहा होता है। अर्पित को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, किसके साथ होली खेले। कुछ ही देर में रमेश भैया भांग पी करके, ड्रिंक्स लेकर के अपने बाकी दोस्तों को ज्वाइन कर लेते हैं और अर्पित वहाँ बिल्कुल अकेला हो जाता है और अकेला महसूस करता है। तभी कुछ लड़कों का एक झुंड, एक ग्रुप अर्पित को देखकर उसको पार्टी एंजॉय करने कहते हैं और उसे छेड़ते हैं और उसे ड्रिंक भी ऑफर करते हैं। अर्पित साइड में बैठा हुआ अकेला रहता है। अर्पित मना करता है और कहता है कि हम ड्रिंक नहीं करते, इसमें कुछ तो मस्ती करते करते कहते हैं, ऐसे कैसे नहीं पिएगा। लोग अर्पित का हाथ पकड़ लेते हैं और आज तो होली है बुरा ना मालो कहकर जबरन उसको ड्रिंक भी पिला देते हैं, उसको जबरदस्ती रंग लगाते हैं और कहते हुए उसको उठाकर रंग भरे टंकी में फेंकने की कोशिश भी करते हैं। ये सब अर्पित को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, वो काफ़ी मना करता है, पर उनमें से कुछ लोग उसकी शर्ट भी फाड़ देते हैं और अर्पित को पूरा रंग से भिगो देते हैं। अर्पित रमेश भैया को आवाज़ भी देता है और म्यूज़िक इतनी अधिक होती है कि अर्पित की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती। अर्पित काफ़ी बलवान था, पर वो ये सोचकर चुप था कि उसकी वजह से रमेश भैया को शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। अर्पित कुछ कर भी नहीं पा रहा था, उसको उसका सर घूमने लगा था क्योंकि उसने कभी ड्रिंक नहीं किया था। तभी इवेंट वॉलंटियरिंग कर रहे साहिल की नज़र उन लड़कों पर पड़ती है जो अर्पित को परेशान कर रहे होते हैं। इस पूरे भीड़ में एक साहिल ही था जिसको उसकी प्रॉब्लम्स दिख रही थी। साहिल ये देखकर काफ़ी परेशान हुआ और कुछ लोगों के साथ जाकर अर्पित को वहाँ से बाहर निकालता है। अर्पित काफ़ी दुखी होता है और मन ही मन सोचता है कि कैसे लोग हैं, हमारे गांव में तो लोग किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते। तभी अचानक साहिल अर्पित को पानी पीने के लिए ऑफर करता है और पहली बार ये होता है जब अर्पित और साहिल की नज़रें एक दूसरे पर पड़ती हैं। दोनों रंग से सने हुए हैं पर एक दूसरे को जब पहली बार देखा तो बस देखते रह गए।
एक अटैचमेंट सा फील होता है। अर्पित की शर्ट फट गई होती है, उसका मेहनती बदन किसी जिम जाने वाले लड़के की बॉडी से कहीं ज़्यादा आकर्षित लग रही थी, और साहिल उसके सीधेपन पर फिदा हो चुका था, क्योंकि शहर का कोई और लड़का होता तो उन लड़कों की हिम्मत नहीं होती ऐसे किसी को भी परेशान करने की। अर्पित को काफ़ी सारी लड़कियाँ नोटिस कर रही थी, और ये सब साहिल देख रहा था। उसने हंसकर बोला, दोस्त तुम टी शर्ट पहन लो वरना लड़कियाँ तुम्हें दूर से देख कर ही खा जाएंगी। अर्पित बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है अर्पित को, और वो साहिल को खींच कर चेयर से नीचे गिर जाता है। फिर कहता है, यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमको कौन देखता है, हमको तो लड़कियाँ पसंद ही नहीं, साला हमको लड़के अच्छे लगते हैं काहे लगते हैं हम नहीं बता सकते। तुम कितने अच्छे हो, तुमने हमको उन बुरे लोगों के बीच से निकाला, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, हमको इन लोगों ने पता नहीं क्या पिला दिया, तुम तीन दिख रहे हो, हमको छोड़ के न जाना, तुम बहुत अच्छे हो। रमेश भैया बुरे हमको अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ चल दिए, तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हमको कोई नहीं चाहिए, कोई लड़की नहीं हमको, हमको तो सिर्फ तुम चाहिए, बुरा ना मानो तो हम तुम्हारी पप्पी ले लें। ये कहते हुए अर्पित साहिल को किस कर लेता है। वो बिल्कुल होश में नहीं होता, और बचपन से लेकर जितनी भी चीज़ें दिल में दबी थी उसने नशे में सब कुछ साहिल को बता दिया। साहिल को अर्पित के बातों से और अर्पित से प्यार हो गया था। वो अर्पित को पूछता है साथ कौन है, पर वो कुछ नहीं बता पाता, और साहिल के बाहों में बेसुध होकर के नशे में बेहोश हो जाता है। अब साहिल अर्पित के साथ क्या करेगा? क्या अर्पित ने नशे के हालत में साहिल को जो बताया उसे भूल जाएगा? दोस्तों अब यहाँ से साहिल और अर्पित की लव स्टोरी बनारस की गलियों में शुरू होती है। अगले भाग में हम बताएंगे कि किस तरीके से दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, और बनारस में उनकी खूबसूरत लव स्टोरी में किस तरीके की अड़चनें आती हैं, और क्या होश में आने के बाद अर्पित को साहिल के लिए जो फीलिंग्स हैं वो याद रहेंगी, और अभी अर्पित को उसके घर तक साहिल क्या छोड़ने जाएगा। अगले एपिसोड में पूरा इनके प्यार की कहानी को जानेंगे, दोनों एक दूसरे के कितने पास आते हैं, एक दूसरे के बीच में क्या क्या होता है, ये अगले भाग में हम बहुत अच्छे से बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये पार्ट आपको अच्छी लगी होगी। हम इसके अगले पार्ट में बहुत ही खूबसूरत स्टोरी की आगे क्रिएट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपने देखा, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी, और हमें बताएं आपको स्टोरी में किस तरीके के प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जिसके जवाब हम आपको यहाँ पर भी दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव इज़ लव।